जब नवरात्रि चल रहे हैं तो ज्यादातर घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, से मेरे घर पे भी। कमेंट में बताइएगा कि आपके घर पे भी ऐसा होता है। तो आज मैंने नाश्ते में बहुत ही इजी जल्दी बनने वाली नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। तो बहुत दिनों से पोहा रखा हुआ था जो कि भूल गया था, पर होता है कि जब कुछ ना समझ में आए तो याद वही आता है जो भूल जाता है। तो हमने निकाली भूली हुई पोहा, इसको अच्छे से धुल कर सोख करने के लिए रख दिए। फिर कुछ मसाले निकाली हुई थी, कुछ गर्म मसाला था जो कि बेसिक मसाला तो नहीं कर सकते, बस छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, करी पत्ता, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, आलू और चीनी जो कि पोहा बहुत अच्छा लगता है, नमक, किशमिश, आपके घर काजू है तो काजू भी आप डाल सकते हैं। तो आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, इतना छोटे छोटे रहेगा क्योंकि जल्दी से पक जाए पोहे में, बहुत ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है पोहा बनाने के लिए, इसलिए मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया। मूंगफली, भाई ये तो पोहा का राजा है, तो इसको मैंने भूल गए थे। एक तरफ मैंने एक पैन रखा कढ़ाई और दूसरी तरफ मैं मूंगफली को भून रही थी। इसमें राई, जीरा और थोड़ा सा वो सहजीरा बोलती हूँ वो डाली, करी पत्ता, करी पत्ता तीखा तेज उछलने लगा था। फिर इसमें मैंने आलू डाला, आलू के साथ ही नमक, इससे आलू थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। फिर इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ, अदरक मिलाया, हरी मिर्च, ये मसाले जो बता रहे थे, छोटी इलायची, थोड़ा सा टमाटर, ज़्यादा टमाटर बहुत पसंद नहीं आता है पोहे में, बहुत ज़रूरी भी नहीं होता टमाटर, लेकिन आप थोड़ा सा टमाटर डाल सकते हैं। और इसमें हल्का सा क्रश करके मूंगफली जो भुना हुआ था, इसको अच्छे से चला देंगे पक जाने पर। फिर इसमें हम डालेंगे किशमिश और चीनी, क्योंकि चीनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को पसंद आते हैं, और ये छोटी इलायची पाउडर। और फिर इसमें हम सोख किया हुआ पोहा डालेंगे। अब इसको पोहे को अच्छे से मिलाकर ये तो रेडी हो गया। फिर हम इसमें हरी धनिया पत्ती डालेंगे और ये पोहा मेरा रेडी। अरे ये तो नींबू तो मैं निचोड़ना ही भूल गई थी। फिर इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे जो कि खट्टा मीठा स्वाद, बहुत ही टेस्टी। अब मेरी प्लेटिंग रेडी। आज का नाश्ता कैसा लगा प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।